सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। ब्लैक कैनन सीरीज के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ताकतवर और कुछ तो बहुत ज्यादा ताकतवर देखी है, बट इस वीडियो में हम 10 गोकू की ऐसी नॉन कैनन जो कि कैनन सीरीज के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है एंड पावर्स में इनका कोई मुकाबला भी नहीं है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारे सुपर पब्लिक, आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी है। और इस वीडियो में हम इन सारी फॉर्म्स का रैंकिंग भी करने वाले हैं, देखने वाले हैं टॉप 1 में कौन सबसे ताकतवर आती है। वेल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो। तो नंबर 10 पे जो गोकू की नॉन कैनन फॉर्म आती है वो है जेनेस गोकू। वेल जेनेस गोकू एक ऐसा ताकतवर बींग है जो कि मल्टीवर्स के अंदर अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। जैसे कि इसने एक बार एक पूरे सन को वेपर में बदल दिया था, इसने मून को एंड अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसने अपनी कुछ ही ताकतों से गैलेक्सीज को, स्टार्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अभी तक का इसका जो सबसे ताकतवर फीट हमें देखने को मिला है वो था इसने अपने पावर पोटेंशियल से एंटायर यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो यस, ये नंबर 10 को जरूर डिजर्व करता है। तो अभी बात करते हैं नंबर 9 की। तो यहां पर आता है ग्रैंड प्रिस्ट गोकू। वेल ग्रैंड प्रिस्ट गोकू अभी पूरी तरह ग्रैंड प्रिस्ट नहीं बना है, अभी उसको ग्रैंड प्रिस्ट ने ट्रेन करा है। गोकू ने अपने इस फॉर्म में ये ग्रैंड प्रिस्ट का अटायर पहना हुआ है और अभी उसको ग्रैंड प्रिस्ट ने इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया है कि उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट, उसका फाइटिंग स्टाइल, उसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा ताकतवर एंड बहुत ज्यादा शार्प हो चुकी है। उसने अपनी पावर से ओरेन एंड कामेन को पूरी तरह डिफीट कर दिया था। इस फॉर्म में उसके पास डिवाइन पावर्स आ जाती है एंड ग्रैंड प्रिस्ट की ट्रेन करने की वजह से अभी वो सभी एंजल से ताकतवर हो चुका है। एंड जब वो ओरेन एंड कामिन के साथ लड़ते वक्त अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में गया था तो उसका अल्ट्रा इंस्टेंट पहले से कुछ अलग था। और हाँ, ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को मल्टीवर्सल कैरेक्टर बताया गया है। तो अभी बात करते हैं नंबर 8 की। तो यहाँ पर आता है जेनेस गोकू। तो जेनेस गोकू एक अल्टरनेट टाइमलाइन का गोकू है जिसके पास रियलिटी को बदलने की ताकत है। ये चाहे तो स्पेस और टाइम के साथ पूरी तरह छेड़छाड़ कर सकता है, डायमेंशन ट्रेवल कर सकता है, अपनी डुप्लीकेट्स बना सकता है, और सबसे बड़ी बात ये पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन से पूरी तरह इम्यून है। ये कायोकेन टाइम 100 का यूज कर सकता है एंड अपने फुल पोटेंशियल में ये एक मल्टीवर्सल प्लस कैरेक्टर बन जाता है एंड इसलिए इसको ग्रैंड प्रिस्ट एंड जेनेसिस गोकू से ऊपर रखा गया है। तो अभी बात करते हैं नंबर 7 की। तो यहाँ पर रखा है ओमनी गोड गोकू को। तो ओमनी गोड गोकू हमें एनिमे वॉर के अंदर देखने को मिला था। पीरस ने जब इसकी पावर लेवल को सेंसी करा था तो उसके वर्ड्स कुछ ऐसे थे, ये अपने बेस फॉर्म की प्रेजेंस से ही एंटायर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। ओमनी गोड गोकू को 13 मल्टीवर्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बताया गया है एंड इसके पास रियलिटी रैपिंग की ताकत आती है। ये इतना ताकतवर है कि इसने वेजिटा को अगेन जिंदा भी कर दिया था। 13 मल्टीवर्सेस के अंदर इसको कोई भी फाइट में नहीं हरा सकता है। ओमनी गोड गोकू के पास फुल पोटेंशियल कामेहामेहा भी है। इसकी टेक्निक, इसके पंचेज, इसकी पावर्स, ओवरऑल ओमनी गोड गोकू को एक बहुत ज्यादा पावरफुल गोकू की नॉन कैनन फॉर्म बना देती है। तो अभी बात करते हैं नंबर 6 की। तो यहाँ पर हमने रखा, अभी बात करते हैं नंबर 5 की। तो यहाँ पर हमने रखा है सुपर सैयन 20,000 को। तो बेसिकली सुपर सैयन 20,000 एंड सुपर सैयन इन्फिनिटी की पावर्स में बहुत माइनर डिफरेंस है। वैसे आई नो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सुपर सैयन 20,000 को यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ गोकू की फॉर्म्स की बात हो रही है। तो सुपर सैयन 20,000 को एक अल्टरनेट टाइमलाइन का गोकू बताया गया है। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ इनफिनाइट टाइम तक बैटल करी है एंड तब भी ये हारे नहीं थे, इन दोनों की बैटल टाई रही थी। सुपर सैयन 20,000 एंड सुपर सैयन इन्फिनिटी ये दोनों ही फर्स्ट हेल में एग्जिस्ट करते हैं एंड सुपर सैयन इन्फिनिटी ईविल था एंड सुपर सैयन 20,000 बेसिकली इस सीरीज का हीरो है, क्योंकि अभी उसको सुपर सैयन इन्फिनिटी से अपने लव का बदला लेना है एंड सुपर सैयन 20,000 भी पूरी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट करने की ताकत रखता है। इसके पास भी इसके पावरफुल अटैक्स है, ये भी रियलिटी को बदलने की ताकत रखता है, टाइम एंड स्पेस को बदलने की ताकत रखता है, स्पैटियल कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन जैसी पावर्स रखता है। और इसके पास कुछ प्लस पॉइंट्स है, जैसे कि इसके ऊपर प्लॉट मैनिपुलेशन जैसी पावर्स असर नहीं करती है। अगर कोई इसको एग्जिस्टेंस से इरेज करने का ट्राई करेगा तो ये नहीं होगा एंड सुपर सैयन 20,000 को भी एक नाई ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग बताया गया है। तो अभी फाइनली वो समय आ चुका है जब हम देखने वाले हैं गोकू की 3 सबसे ताकतवर नॉन कैनन फॉर्म्स को, जो कि प्योर ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट है। वैसे तो ये तीनों ही ओमनीपोटेंट है, लेकिन फिर भी रैंकिंग में नंबर 3 को यहाँ पर सुपर सैयन इन्फिनिटी रेनबो डिजर्व करता है। तो बेसिकली जब गोकू एंड वेजिटा ब्लैक गोकू के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो उस फाइट में गोकू अपनी सभी ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ यूज करने का ट्राई करता है एंड फिर वो अपने अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज करता है, जिस वजह से वो अल्ट्रा इंस्टेंट सुपर सैयन रेनबो में चला जाता है एंड अगेन उसके पास यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि वो अपने रेनबो में रहते हुए भी सभी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकता है एंड ऐसे करते करते वो सुपर सैयन इन्फिनिटी में पहुंच जाता है एंड यहाँ पर पहुंचते ही उसकी सभी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स इन्फिनाइट लेवल पर चली जाती है एंड इसी ट्रांसफॉर्मेशन को सुपर सैयन इन्फिनिटी की सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है। ये इतना ताकतवर है कि इसके बेसिक अटैक ने ही इन्फिनाइट यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर डाला था। तो अभी बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ को। तो नंबर 2 पे यहाँ पर आता है फ्यूचर गोकू, लेकिन फ्यूचर गोकू की एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका नाम है प्योर इटर्नल फॉर्म।
तो प्योर इटरनल फॉर्म में ये कोई ह्यूमन नहीं रहता है, ये बेसिकली प्योर लाइट में तब्दील हो जाता है, जिसको एक प्योर ओमनीपोटेंट बींग बताया गया है। वैसे तो प्योर इटरनल फॉर्म को ही गोकू की नॉन कैनन में सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। यही है जो नए ओमनीपोटेंट बींग्स को क्रिएट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, एंजल्स को क्रिएट करता है, प्योर साउल्स को क्रिएट करता है, एंड यही है जो पूरे ओमनीवर्स पे रूल करता है। एंड फ्यूचर गोकू की प्योर इटरनल फॉर्म ही वो ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने नॉन कैनन के सबसे पहले गॉड को सिर्फ 50% ताकतों में ही सरपास कर डाला था, एंड इसीलिए इसको नंबर 2 पे रखा गया है। वैसे तो ये नंबर 1 डिजर्व करता था बिकॉज इसको गोकू की नॉन कैनन में सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है, लेकिन नंबर 1 पे हमने रखा है ड्रिप गोकू को, क्योंकि ड्रिप गोकू ने सभी यूनिवर्सिस के सुप्रीम गॉड्स को लाइक वन अबव ऑल को, टॉरीबोट को, दी क्रिएटर को, दी राइटर को सिर्फ अपनी 1% पावर से ही डिफीट कर डाला था। इसने इन सभी इमोर्टल गॉड्स को मार डाला है। ड्रिप गोकू अपने थॉट्स को रियलिटी में लाने की ताकत रखता है। ड्रिप गोकू की जो सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट, उसमें वो अभी तक कभी गया ही नहीं है, क्योंकि इसके अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट ने ही सभी सुप्रीम गॉड्स को डिफीट कर दिया है। ये सभी फीट्स एक्चुअली में उसको सभी गोकू की नॉन कैनन फॉर्म से सबसे ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, एंड इसलिए हमने उसको नंबर 1 पर रखा है। वैसे ये पूरी रैंकिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन।